Hi guys, welcome back to Rinki's Angelican. We are doing annual reading for the year 2023. इस वीडियो में ना मैंने लिटरली हर एक एस्पेक्ट, हर एक एरिया ऑफ लाइफ को बहुत डिटेल में बात करी है. हर एक जोडियाक के बारे में बहुत अच्छे से हमने कार्ड्स को एनर्जाइज करके, इंटेंशन सेट करके ये स्प्रेड पुल आउट करा है आप लोगों के लिए. सो आई रियली रियली होप कि ये स्प्रेड, ये जो रीडिंग, ये जो वीडियो है आपको एक्सेलेंटली हेल्प करे. आई हैव सेड दिस इन ऑल द वीडियोज, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि यार ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा. ये लिटरली एक रोड मैप है आपको आने वाले साल में क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज पे ध्यान देना है, कौन सी चीज से केयरफुल रहना है. लिटरली सबका जिस्ट बनाकर मैंने आप लोगों को दिया हुआ ये वीडियो में. सो आई रियली होप यू मेक द मोस्ट ऑफ इट. ऑल्सो कमिंग बैक, जैसे मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट करा है रिसेंटली अबाउट आई वॉन्टेड टू क्विट यूट्यूब एंड यू नो आई वॉज फीलिंग टू डीमोटिवेटेड अबाउट एवरीथिंग. तो मैंने एक दिल से दिल तक बात करी. आई रियली होप यू काइंड ऑफ लुक एट दैट वीडियो एंड देन यू आर हियर, बिकॉज आई डू ओ यू एन आंसर एंड आई फील आपको पूरा पूरा हक बनता है जानने का कि यार इतने टाइम से रीडिंग्स क्यों नहीं आई, इतने टाइम से वीडियोज क्यों नहीं आए. सो अगर आपने नहीं चेक किया, चेक कीजिए दैट वीडियो. Also, there's lot more videos, lot more readings coming your way. So I really hope it helps. Please subscribe to the channel. Help me grow my community. It would mean so much to me. Now, let's get started. Hi Leo, welcome back to the channel. We are doing annual spread for the year 2023. Basically, ye spread na Leo, bahut hi detailed spread hai. Jahan par na humne har ek area of life ko समझने की कोशिश करिए ताकि आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी, एग्जैक्ट पाथ, एग्जैक्ट गाइडेंस मिले आगे बढ़ने का. हर चीज़ को एक तरीका होता है, आपकी एनर्जीज क्या बोल रही है. बहुत ही डिटेल स्प्रेड निकाला है, इसीलिए ये स्प्रेड को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक हेड्स अप दूंगी कि यार आप जो कर रहे हो वो साइड में रखो और ये 10 मिनट अपने लिए निकालो और ये वीडियो बड़ी गहराई से, बड़े ध्यान से सुनो, बिकॉज बहुत हेल्प करेगा आपको आई एम श्योर. और हर चीज़ में कहाँ आपको केयरफुल रहना है, कहाँ आपको ओवर गिव करना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे. सो जस्ट अ हेड्स अप, just put your energy, focus and concentration while you listen to this video. Simultaneously upar wale ko boliye ki you are ready to receive the guidance so that everything kind of falls in your favor. Okay, now let's begin. Jaise maine bataya har ek area ko main bahut acche se cover karungi is particular video mein. Leo jo pehla card aaya hua hai hamare paas, ये कार्ड हमें बताता है मेरी एनर्जीज ऑफ द ईयर, मेरा थीम ऑफ द ईयर क्या है. जो आपका थीम ऑफ द ईयर है ना लियो, वो ये है कि यार जो चला गया चला गया, जो आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, जो आपसे नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, आई फील आपको वहां पर अब लेट गो करना चाहिए. आप इतना ज्यादा ओवर थिंक कर करके, कैसे कहते हैं इंसान को ना, डर ही मार देता है. आपकी एनर्जीज ये लग रहे हैं कुछ हो ना हो पर आपका डर ही आपको ले डूब रहा है. सो आई फील इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू लियो कि आप ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन को बहुत गहराई से समझें और रिलीज करें और लेट गो करें. जैसे आप जितना उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आपको बैकफायर कर सकता है. सो जस्ट थीम अपनी समझनी है, कोई चीज को कंट्रोल नहीं करना है, इतना ज्यादा घबराना नहीं है. दैट इज हाउ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड. उसके बाद जो हमारी एनर्जीज ऑफ द ईयर है, एनर्जीज ऑफ द ईयर में ये है कि यार आपको ना अपने लिए खड़ा होना है, लोगों को आके पीछे से छुरा घोपने नहीं देना है. कई बार क्या हो जाता है, आप इतने इमोशनली डाउन हो जाते हो जहां आपको समझ ही नहीं आता कब खड़ा होना है कब नहीं होना है. बट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट वाइब्रेशन जहां यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खड़े रहें, अपने लिए खड़े रहें, अपनी ग्रोथ के लिए खड़े रहें. जब तक आप नहीं खड़े रहेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. सो आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन दिस एनर्जी. उसके बाद जो हमारा कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड हमारे करियर ग्रोथ की बात करता है, करियर पाथ की बात करता है. ये कार्ड हमें बताता है यार आप सही चल रहे हो, फिर आपको इतने डाउट्स और कन्फ्यूजन्स अपने प्रोफेशन को लेके क्यों हैं. आपको हाँ थोड़ा टाइम तक ऐसे था कि मजा नहीं आ रहा, बट आई फील इट्स टाइम यू गिव इन योर 500%. जो आप कर रहे हो ना उसमें अपना 500% दीजिए, देखिए कैसे आपकी एनर्जीज अच्छी चैनलाइज होती है, कैसे आपका ग्रोथ होता है, क्योंकि आप बखूबी बैलेंस कर रहे हो. लियो अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे होते तो हम समझ
समझते कि आपको क्या चेंज और क्या ट्विस्ट करना चाहिए, बट आई फील आप बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हो. सो लियो, आई वॉन्ट यू टू अलाइन योर एनर्जीज, आई वॉन्ट यू टू फोकस योर एनर्जीज. द मोर यू आर फोकसिंग, द मोर यू आर अलाइनिंग, आपका करियर पाथ आगे ही बढ़ता जाएगा. उसके बाद जो हमारा कार्ड है, ये कार्ड हमें क्या बताता है, ये कार्ड हमें आपकी हेल्थ के बारे में बताता है. क्योंकि इतना ज्यादा फियर और इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रखी थी ना, उस वजह से मेंटल हेल्थ लेके स्ट्रेस हो सकता है. आई फील आपको बस मेंटल हेल्थ को थोड़ा ध्यान में रखना है, कंट्रोल करना है उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप ग्रो कर पाओगे. आई फील समवेयर आपको ईज आउट करना है, समवेयर अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना है. आई फील समवेयर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर. ऑफकोर्स आपकी फिजिकल वेलबींग तो बहुत अच्छी दिख रही है, पर आपकी मेंटल वेलबींग नहीं दिख रही है हमें. सो आई फील दैट इज सो मच इम्पॉर्टेंट. उसके बाद ये जो कार्ड आया हुआ है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी पैसे की बात बता रहा है. लियो 2023, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लियो आने वाला साल आपके पैसे को लेकर बहुत अच्छा साल होगा. आप पैसे में जरूर ग्रो करेंगे, आप छोटी मोटी चीजों में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट करेंगे अगर आपने नहीं किया. अगर आप ऑलरेडी छोटी मोटी चीजों में इन्वेस्ट कर चुके हो, उसके अच्छे रिटर्न्स देखोगे और उसमें आप तरक्की, उसमें आप ग्रोथ जरूर देखोगे. सो आई फील लियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर मनी. सबसे पहले अपना पैसा समझें कि क्या है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है. एक प्लानिंग होती है ना, वो थोड़ी बस आपको समझ के करनी है. जैसे आप समझ लोगे, उसके बाद आपका मनी मल्टीप्लाई होते हुए, अबंडेंस आते हुए ही दिख रहा है. इतनी अच्छी वाइब्रेशन है. तो इधर है ना, अपने आप को कोई भी चीज में आप पॉज ना करें, स्टॉप ना करें, बस आगे बढ़ने दीजिए. गिव योरसेल्फ द परमिशन टू बी अबंडेंट. आई फील बस एक वही ब्लॉकेज है कि आप बहुत एक जोन में हो जहां हमें थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी दिख रही है. उसके बाद रिलेशनशिप्स, इट्स अ गुड एनर्जी, इट्स अ गुड वाइब्रेशन. जो चीज, जो लोग आपको मैटर करते ना, आई फील वो लोग आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे. आई फील वो लोगों से आपका रिलेशन भी इम्प्रूव हो रहा है ये साल. कहीं ना कहीं जो रिलेशन आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो जा रहे हैं, उसको जाने दो. आई फील न्यू रिलेशंस आ रहे हैं एंड दे विल अंडरस्टैंड यू सो मच बेटर. सो आई फील इट्स टाइम कि आप भगवान को बस वो चार्ज दे दें और अपने रिलेशन देखिए कैसे अपने आप ही इम्प्रूव होते हैं. इट्स अ वंडरफुल साइन, इट्स अ वंडरफुल एनर्जी. अगेन कमिंग टू अपॉर्चुनिटीज, यूनिवर्स तो बोल रहे हैं भाई आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलने वाली है, ढेर मिलने वाली है ये साल. तो आई फील मेक द मोस्ट ऑफ इट. कहीं ना कहीं हर अपॉर्चुनिटी को एक्नॉलेज करो, हर अपॉर्चुनिटी का शुक्राना करो ऊपर वाले को. जहां जो चीज आपकी पर्पस सॉल्व कर रही है, वो अपॉर्चुनिटी को लीजिए. अपना बस एक एडवाइस मैं ये कार्ड के साथ ये दूंगी कि यार इतना कंफर्ट होके मत बैठिए, अपने कंफर्ट को हिलाइए. क्योंकि ये साल आपका ग्रोथ का साल है, अपनी ग्रोथ को मत दबाइए, अपनी ग्रोथ को मत रोकिए. क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हो, जब तक आप अपने आप को शेक नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा यू नो आउटग्रो करने की कोशिश करोगे, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे. उसके बाद जो ये कार्ड आया हुआ है, ये बोल रहा है डिवाइन कनेक्शन. मुझे ऐसा लग रहा है भगवान आपका हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं ये साल. आपको कोई भी जो हमने समस्याएं देखी उससे भी बचाने की जरूर जरूर कोशिश करेंगे. इसके लिए आपको क्या करना है, आई फील इसके लिए आपको थोड़ा सा भगवान में विश्वास रखना है. लियो, आई फील जितना हो सके उतना ज्यादा प्रे करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा गॉड रिलेटेड म्यूजिक सुनना है. इफ दैट मेक सेंस, भजन सुन लीजिए, कोई वाइब्रेशन अच्छी, हनुमान चालीसा सुन लीजिए. क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी बढ़ा रही है, इतनी अच्छी ग्रो करवा रही है. यू आर फीलिंग सो मच एंथुजियास्टिक, सो मच मोटिवेटेड टू डू एवरी थिंग दैट यू आर प्लानिंग टू. आई फील आपको ये कार्ड को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए ताकि चीजें आपके लिए अच्छी हो, बेटर हो. उसके बाद ये जो कार्ड है, जैसे हमने बताया, ऑफ कोर्स अपने लिए खड़े रहो. ये वाले कार्ड के साथ मैंने आपको बताया था कि अपने लिए खड़े रहो, यू नो डोंट लेट पीपल कम बिहाइंड योर बैक एंड हर्ट यू, ऑल ऑफ दैट. साइमल्टेनियसली मैं बताऊंगी, सेल्फ ग्रोथ में ना इतना भी ओवर गिव मत कीजिए जहां आपको पछतावा हो. आई फील एक लाइन, एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको ये साल. आप ये एनर्जी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा एनर्जी अपने ऊपर लाना है, थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर लाना है. जब तक आप वो एनर्जी, जब तक वो फोकस आप अपने ऊपर नहीं लाओगे, तब तक आप ऐसे ना अंदर ही अंदर दबते रहोगे. हमें वो एनर्जी, सेल्फ लव जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, थोड़ा सा उस पर भी 23 में ध्यान दीजिए. ये जो कार्ड आया है पर्पस,
यूनिवर्स देखिए आपको, एंजल्स आपको कितना अच्छा मैसेज दे रही है. आई नो वट आई एम हियर टू डू. आपको जब अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता है तो ये सारी एनर्जीज में क्यों मंडराना, क्यों अपने आप को इतना ज्यादा लॉस्ट करना. आई फील दिस इज एरिया वेर आपको ग्रो करना चाहिए. दिस इज एन एरिया, दिस इज अ मैसेज वेर यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ब्यूटिफुली. सो आई फील लियो काफी सारे मैसेजेस आए हैं. फियर, डर, घबराहट और अपने लिए खड़े रहिए, ये चीजों को ध्यान में रख के प्रोफेशनली आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ये साल है ग्रोथ का, ये साल है पैसा कमाने का और सेव करने का. रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो रहे हैं, भगवान साइमल्टेनियसली जितना आपको पावर दे रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है. एंड थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर लाइए, आपको तो पता ही आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. सो इट इज सच अ इंटेंस एनर्जी, इंटेंस स्प्रेड, जहां पर मैं चाहती हूं आप हर एक एरिया को थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश कीजिए. या दैट इज लिटरली अबाउट इट. ये बहुत ही जेनरिक रीडिंग है, बट अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं. वो एक पेड सर्विस है तो उसके चार्जेस वगैरह की डिटेल मैं आपको शेयर कर सकती हूँ इन केस यू आर लुकिंग आउट टू. इफ नॉट, दिस इज एज मच एज हेल्पफुल एज इट कैन बी. सो या दैट इज लिटरली वॉट वी हैव फॉर टूडे. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ फैब्यूलस ईयर अहेड. Lots and lots of love and good wishes from my end. Also subscribe if you haven't already. यार ये वीडियो शेयर करो, बहुत लोगों को मदद कर सकता है, बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है. आने वाले साल के लिए इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है लोगों को. So yeah, have a good day ahead. Bye bye.